नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से मेन बैलेंस से आपका जियो नंबर रिचार्ज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, रिसेंटली जियो ने कुछ अनलिमिटेड कॉल्स किए, मतलब अगर जियो टू जियो कॉल होगा तो वो फ्री में होगा, अगर आप जियो टू अदर नेटवर्क कॉल करेंगे तो वो उसको इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 6 पैसा पर मिनट। जब से ये नया रूल आया, नया प्लान्स जियो की वेबसाइट पे अपडेट हुए हैं, तब से आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप मेन बैलेंस से रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है वेब ऐप पे। तो मैं आपको फिर भी आप कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं मेन बैलेंस से कोई भी प्लान, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जियो ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके पास बैलेंस है तो मेन बैलेंस तो आप रिचार्ज कर सकते हो फिर भी, अगर नए प्लान्स अपडेट हुए तो भी आप कर सकते हो। तो माय जियो ऐप ओपन कर लीजिए। माय जियो ऐप ओपन करते ही अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज बटन पर यहाँ पर टैप कीजिए। रिचार्ज बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे सभी प्लान अभी डिस्प्ले हो जाएंगे जियो के, देख लीजिए सभी प्लान डिस्प्ले हो चुके हैं यहाँ पे देख लीजिए। मुझे प्लान में रिचार्ज वो है 448 का 2 GB पर डे में, यहाँ पे करता हूँ। देख लीजिए इसमें क्या है ऐड, IUC पैक, मतलब 10 रुपीज़ IUC पैक भी मिलता है, मतलब उसमें 124 IUC मिनट्स, मतलब चार्जेबल नहीं होगा, 6 पैसा पर मिनट चार्जेबल नहीं होगा। आपके नॉन जियो नेटवर्क से बाहर कॉल किया तो आपने चार्जेबल नहीं होगा। इस प्लान में 10 रुपये का प्लान भी ऐड होता है, जिससे आप 124 IUC मिनट पा सकते हैं, मतलब 6 पैसा पर मिनट आप चार्ज नहीं करेगा आपको, पर 124 मिनट्स तक आपको फ्री रहेगा। इस 10 रुपये का प्लान इंक्लूड है उसमें। तो इसी हिसाब से आप 10-20 ऐड कर सकते हो, 50 ऐड कर सकते हो, फिर 1000 आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पर अभी आपने ऐसा आईयूसी वाला इंक्लूडेड जो भी प्लान है तो आपने बाय करने की कोशिश कर दी तो यहाँ पे गेटवे पे आपको मेन बैलेंस अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मेन बैलेंस यूज़ करने के लिए, मतलब आपका जियो नंबर पे बैलेंस है तो पड़ा हुआ है तो आप उससे रिचार्ज नहीं कर सकोगे। ये नए IUC प्लान्स जो भी आए हैं उनसे आप वो प्लान्स आपने रिचार्ज किया है तो आप मेन बैलेंस से रिचार्ज नहीं कर पाओगे। तो आप अभी 448 रुपीज़ का प्लान रिचार्ज करना है तो कैसे किस तरह से कर सकोगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो 448 भी नहीं, 448 से कोई भी प्लान आप 448 या फिर कोई भी प्लान आप रिचार्ज कर सकते हो पहले की तरह। तो रिचार्ज बटन पे यहाँ पे टैप कीजिए, फिर से देख लीजिए ये सब IUC इंक्लूडेड प्लान है तो आप मेन बैलेंस से IUC इंक्लूडेड प्लान रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तर अगर आपको पहले की तरह रिचार्ज करना है तो मतलब सभी डेटा प्लान्स तो यहाँ पे नॉन आईयूसी वॉइस प्लान पे टैप कीजिए। स्मार्टफोन प्लान्स, जियो प्लान्स, कौन सा भी आपको एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से कोई भी प्लान सिलेक्ट कीजिए आपको ज़रूरत के हिसाब से। और बाद में यहाँ पे मैं अभी करता हूँ 448 का 2 GB पर डे का प्लान, देख लीजिए डिटेल्स चाहिए तो वो सही है। तो सिलेक्ट करके बाय नाउ बटन पे टैप करता हूँ तो इस प्लान पे मुझे मेन बैलेंस अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब अभी तक ऑप्शन अवेलेबल है मेन बैलेंस से रिचार्ज करने का। पर ये नए प्लान जो आए हैं IUC इंक्लूड करके उनको आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे मेन बैलेंस से।
रिडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे। देख लीजिए यहाँ पे अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ये बैलेंस मेन बैलेंस का अकाउंट है, मतलब मेरे सिम पे इतना बैलेंस है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सफिशिएंट बैलेंस है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ बैलेंस रिचार्ज करने के लिए। तो आपको पता ही चला होगा अभी आपने नए प्लान्स जो जियो ने लॉन्च किए हैं IUC इंक्लूड करके, वो आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे मेन बैलेंस से, पर आप रिचार्ज कर सकते हैं नॉन IUC प्लान सिलेक्ट करके, मतलब ओल्ड जैसे आप पहले प्लान रिचार्ज करते थे मेन बैलेंस से, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मुझे पता नहीं कितने टाइम तक ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जियो कब तक ये ऑप्शन रखेंगे, मतलब ये अभी जैसे अभी IUC प्लान्स के लिए निकाल दिया है उसने, उन लोगों ने ऑप्शन अभी नॉन IUC प्लान्स के लिए भी निकाल सकते हैं कभी भी। अगर आपके पास बहुत सारा बैलेंस बचा हुआ है तो आप रिचार्ज करके रखिए, क्योंकि प्लान्स वो क्यू हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक एक्टिवेट हो जाएगा बाद में वो प्लान, आप उसको एक्सपायर करते ही, मतलब एक्सपायरी डेट पहुँचते ही नेक्स्ट प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, क्यू में वो रह जाएगा। अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज कर दीजिए मेन अकाउंट बैलेंस से। तो इस तरह से आप मेन बैलेंस से जियो रिचार्ज कर सकते हो नंबर आपका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।